जो सच्ची मेहनत से पढ़ता है वो ही संसार को बदलता है, और जिसने रातों से जंग जीती है एक दिन सूर्य बनकर वही चमकता है। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल शुभम लेक्चरर, माई सेल्फ शुभम गोस्वामी। आज का ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए है जो इस बार 12th में हैं और जिनको 2024 बोर्ड एग्जाम देना है। देखिए, बहुत सारे हमारे स्टूडेंट हैं जो कमेंट कर रहे थे, सर 12th इंग्लिश के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पर वीडियो बनाइए। तो स्टूडेंट, आज का जो ये वीडियो है ये स्पेशली क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर का है, ठीक है। यानी कि 12th इंग्लिश ग्रामर के कुछ क्वेश्चंस को हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। देखिए स्टूडेंट, ये वीडियो इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्यों है, क्योंकि इस वीडियो में मैं क्लास 12 इंग्लिश ग्रामर के 7 टॉपिक को एक ही वीडियो में हम पढ़ेंगे। वो 7 टॉपिक्स कौन कौन से हैं अभी हम आगे जानेंगे, ठीक है। और टोटल कितने क्वेश्चन हम पढ़ेंगे, 12 से 21 क्वेश्चन हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यानी कि टोटल 7 टॉपिक हैं, एक टॉपिक के 3 क्वेश्चन, तो टोटल कितने हुए, 21 क्वेश्चन हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है 12th वाले स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि वो कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले टॉपिक का नाम जानते हैं, जो हमारा 7 टॉपिक है वो कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है। सबसे पहला टॉपिक है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। देखिए स्टूडेंट, जब आप इंग्लिश ग्रामर की बात करते हैं 12th में, तो सबसे पहला टॉपिक जो होता है वो डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन होता है, ठीक है। मतलब इसमें आपको डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट में बदलना होता है। दूसरा देखिए, सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेज, मतलब दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, ठीक है। अभी मैं आगे सब कुछ बताऊंगा। तो अगर आप भी इस बार टॉपर बनना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि हम इंग्लिश में 100 में 95 प्लस लेकर आएं, तो भैया आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस पढ़ने होंगे, ठीक है। और सारे क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। उसके बाद तीसरा टॉपिक है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, जिसको हम पढ़ेंगे। चौथा है सिंटैक्स, पांचवा है एंटोनिम्स, छठवां टॉपिक है सिनोनिम्स, और सातवां टॉपिक है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। इन सारे टॉपिक के हम 3-3 क्वेश्चन पढ़ेंगे, 7 क्वेश्चन है, टोटल हम 21 क्वेश्चन इस वीडियो में पढ़ेंगे, ठीक है। तो 3-3 क्वेश्चन हम एक एक टॉपिक्स के पढ़ेंगे। तो चलिए इस इंटरेस्टिंग वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला टॉपिक हमारा डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, हमारा फर्स्ट टॉपिक जो है वो है डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट नरेशन। इसमें हमें करना क्या होगा, हमें डायरेक्ट स्पीच दिया रहेगा, उसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करना होगा। ये तो सबको पता है, नाम से ही स्पष्ट है, लेकिन करेंगे कैसे भैया, ये भी जानना जरूरी है। अब देखिए, मैंने आपको डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट के जितने भी रूल्स हैं वो मैं आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, जिसने नहीं देखा है भैया जाकर देख लो, तो ज़्यादा समझ में आपके आएगा, ठीक है। वैसे भी मैं समझा दूंगा, समझ में आ जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मदर सैड टू मी, यानी कि माता जी ने मुझसे कहा, ठीक है। देखिए, सबकी माता जी हैं, ठीक, और माता जी हमेशा कुछ ना कुछ कहती रहती हैं, ठीक। जैसे आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, फ़ोन यूज कर रहे हो, तो माता जी जो हमारी हैं, जो मम्मा हैं, वो कहेंगी कि भैया फ़ोन रख दीजिए और अपने पढ़ाई पर ध्यान दीजिए, क्योंकि अब की बार इंटर है, ठीक। आगे देखिए, मदर सैड टू मी, माता जी ने मुझसे कहा, डिड यू गो टू स्कूल, क्या तुम स्कूल गए थे, ठीक। उनको कहती हैं, माता जी ने मुझसे कहा क्या तुम स्कूल गए थे। तो जब इसको हम इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो सबसे पहले ये बताइए कि जो आपका ये रिपोर्टेड स्पीच है, ये कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्योंकि देखिए डिड आगे लगा है, हेल्पिंग वर्ब आगे होगा तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। दूसरी कंडीशन, ये कौन सा टेंस है, देखिए डिड यू गो टू स्कूल, डिड किसमें लगता है, डिड हमारा पास्ट इंडिफिनिट टेंस में लगता है, ठीक है। तो ये आपका पास्ट इंडिफिनिट टेंस है। अब जब हम इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे, तो किसमें बदलेगा, ये पास्ट परफेक्ट टेंस में ये बदल जाएगा, क्योंकि पास्ट इनडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलता है, ठीक है। तो चलिए इसको बनाते हैं। देखिए, मदर को हम मदर ही रहने देंगे भैया, मदर, ठीक है। अब देखिए, अगर आपका रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव सेंटेंस में है, तो सैड टू के स्थान पर हम किसका यूज करते हैं, आस्क्ड का, या फिर आप इंक्वायर्ड ऑफ का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मदर आस्क्ड, ठीक, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम सैड टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करते हैं। मी आपका मी ही रहेगा। अब बीच में क्या लगेगा,
देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम डैट का यूज नहीं करते बल्कि इफ या वेदर का यूज करते हैं, ठीक है। तो हम यहां पर इफ का यूज कर देंगे। देखिए आप इफ भी लिख सकते हैं या वेदर। देखिए मैं साइड में कर रहा हूं, इसको मैं भी इरेज कर दूंगा, ठीक है। दोनों का यूज कर सकते हैं, समझ में आया। तो इफ, अब देखिए अब आपको डायरेक्टली सब्जेक्ट लिखना है। अब जिसने भी रूल पढ़ा है उसको तो समझ में आता होगा, बहुत ही इजी, ठीक है। तो देखिए यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से। देखिए मैंने बताया था फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन सब्जेक्ट से, सेकंड का ऑब्जेक्ट से, थर्ड में नो चेंज, ठीक है। तो जो आपका यू है ये सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है, ये ऑब्जेक्ट से बदलेगा। ऑब्जेक्ट है मी और मी के लिए हम सब्जेक्ट का यूज करेंगे, किसका, आई का, ठीक है। मी का सब्जेक्टिव केस होता है आई, ठीक। तो यहां पर हमने यूज कर दिया आई, ठीक। अब कौन सा टेंस है ये, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जब इसको इनडायरेक्ट में बदलेंगे ये पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड का यूज करते हैं, आई हैड। अब देखिए गो, गो है, इसका थर्ड फॉर्म लेंगे क्योंकि पास्ट परफेक्ट टेंस में हम थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो गोन टू स्कूल, ठीक है, gone to school। ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है, समझ में आया। तो कैसे हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं वो मैंने आपको बता दिया। मतलब मदर सेड टू मी डिड यू गो टू स्कूल, माता जी ने मुझसे कहा क्या तुम स्कूल गए थे। तो इसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, मदर आस्क्ड मी इफ आई हैड गॉन टू स्कूल, ठीक है। मदर मदर ही रहेगा, सेड टू के स्थान पर आस्क्ड हमने लगा दिया, मी लिखा, बीच में इफ या वेदर का यूज करते हैं, इफ लगा दिया, यू बदलेगा मी से तो आई हो जाएगा, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, इसको जब इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो पास्ट परफेक्ट टेंस में कन्वर्ट होगा। पास्ट परफेक्ट टेंस में हम हैड लगाते हैं और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, ठीक है। तो गो बदलेगा गॉन में, टू स्कूल ऐसे ही रहेगा, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ चुका होगा। अब हम अपना दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, माई फादर सैड टू मी डू नॉट लॉफ एट द ओल्ड बेगर, यानी कि माई फादर सैड टू मी, मेरे पिताजी ने मुझसे कहा, क्या कहा, डू नॉट लॉफ एट द ओल्ड बेगर, यानी कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो। देखिए कोई भी बूढ़ा है या भिखारी हो उस पर कभी हंसना नहीं चाहिए। तो हमारे पिताजी ने मुझसे कहा कि बूढ़े भिखारियों पर मत हंसो। सबसे पहले देखिए ये कौन सा टेंस है, देखिए कौन सा सेंटेंस है, ये है आपका इंपरेटिव सेंटेंस, क्योंकि यहां पर एडवाइस दिया जा रहा है, ठीक है। दूसरी कंडीशन यहां, इसको हम कैसे बदलेंगे, देखिए इसको इनडायरेक्ट में कैसे बदलोगे, ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। देखिए लिखेंगे माई फादर, माई फादर, ठीक है। अब यहां बताइए सैड टू के स्थान पर क्या लिखेंगे। देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में हम सैड टू के स्थान पर ordered, requested, advised, suggested किसी का भी यूज कर सकते हैं इस सेंटेंस के भाव के अनुसार। तो देखिए यहां पर जो हमारे पिताजी हैं वो हमें एडवाइस दे रहे हैं, तो हम यहां पर एडवाइज्ड लिख सकते हैं, ठीक है। अगर यहां पर रिक्वेस्ट किया जाता तो हम रिक्वेस्टेड का यूज करते, ठीक। तो माई फादर एडवाइज्ड मी, ठीक है, एडवाइज्ड मी, ठीक है। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में हम क्या करते हैं, अगर यहां पर नेगेटिव है भैया तो हम नॉट टू का यूज करेंगे, मतलब नॉट पहले लिखेंगे फिर टू का यूज करेंगे। अगर यहां पर नेगेटिव नहीं होता तो हम डायरेक्टली टू का यूज कर देते, ठीक है। मतलब इंपरेटिव सेंटेंस में हम दैट का यूज नहीं करते, इफ या वेदर का हम यूज नहीं करते, हम यहां पर टू का यूज करते हैं, और अगर नेगेटिव है तो नॉट टू, लेकिन हर जगह ये अप्लाई नहीं होता, रूल्स में मैं बता चुका हूं, ठीक है। तो एडवाइज मी नॉट टू, लॉफ हम लॉफ ही लिखेंगे, लॉफ, ठीक है, एट द ओल्ड बेगर, ठीक है, ओल्ड बेगर। अब ये आपका इनडायरेक्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहां पर हमें इंपरेटिव सेंटेंस में क्या करना होता है, सैड टू के स्थान पर जो सेंटेंस का भाव है उसके अकॉर्डिंग लिखते हैं। जैसे यहां पर पापा जी हमारे एडवाइस दे रहे हैं तो माई फादर एडवाइज मी, ठीक है, फिर डोंट है, इसको नॉट टू में बदल देंगे, लॉफ एट द ओल्ड बेगर, बाकी हम ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। तो ये सारे संस्कार हैं जो पिताजी ने हमें दिए हैं, ठीक है। सबके पापा कुछ ना कुछ अच्छी चीजें सबको सिखाते हैं, ठीक है। जैसे आपके पापा हैं वो कहते होंगे भैया खूब ध्यान लगाकर पढ़ लो, तुम्हें आगे बहुत कुछ करना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, तुम्हें टीचर बनना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, ठीक है। सबके पापा के कुछ अरमान होते हैं, मम्मी पापा के,
उन अरमानों पर आपको काम करना है भैया, और आपको टॉपर पहले बनना है। टॉपर बनने के बाद जो भी आपका एम है वो आपको बनना है, ठीक है, मैं पूरा सहयोग करूंगा। ठीक, तो ये दोनों समझ में आ गए भैया। देखिए मैं बहुत सिंपली समझाता हूँ, अगर अब नहीं समझ में आए तो नहीं आएंगे, और रूल्स पढ़ लीजिए ज्यादा समझ में आएगा, मैंने रूल्स भी पढ़ा रखा है, ठीक है। तीसरा देखिए हमारा क्या है, ध्यान दीजिएगा। आई सेड टू हर, मैंने उससे कहा, यहां पर एक लड़की है, मैंने उससे कहा, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहती हो, तो मैंने उससे कहा तुम कहां रहती हो। अब यहां पर ये तो पता है भैया कि ये कौन सा सेंटेंस है, ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहती हो, ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। लेकिन यहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब पहले नहीं है, पहले क्वेश्चन वर्ड है, तो जब भी आपके रिपोर्टेड स्पीच में पहले क्वेश्चन वर्ड आता है तो हम डायरेक्टली उस क्वेश्चन वर्ड को लिख देते हैं, ठीक, समझ में आया। तो यहां पर देखिए क्या होगा, इसको हम बनाते हैं, देखिए आई तो आई आपका रहेगा ही, सेट टू के स्थान पर आस्क्ड का यूज करेंगे, आई आस्क्ड हर, ठीक है। अब देखिए अगर आपका क्वेश्चन वर्ड वेयर हाउ व्हाट आता है तो उसको डायरेक्टली लिख दीजिए, ठीक है, वेयर हमने लिख दिया, वेयर, ठीक है। अब आपको क्या करना है, सब्जेक्ट लिखना, यू है सेकंड पर्सन का प्रोनाउन, ये बदलेगा ऑब्जेक्ट से, ऑब्जेक्ट है हर, और हर के लिए हम सब्जेक्टिव केस क्या यूज करेंगे, हर का मतलब ये एक फीमेल है, और फीमेल के लिए हम सब्जेक्ट यूज करते हैं सी, ठीक है, तो यहां पर हम सी का यूज करेंगे, तो वेयर सी। अब बताइए कौन सा सेंटेंस है, देखिए वेयर डू यू लिव, तुम कहां रहती हो, ता है, ती है, ते हैं, आदि शब्द आते हैं, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, या फिर अगर डू या डज लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा, ठीक है। तो इसको जब हम इनडायरेक्ट में बदलेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हमेशा पास्ट इंडेफिनिट टेंस में कन्वर्ट होता है। तो देखिए सी और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में हम असर्टिव सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाते हैं, तो सी के साथ लिव्ड लिख देंगे, लिव का सेकंड फॉर्म लिव्ड, ठीक है। बस ये इंट्रोगेट, सॉरी ये आपका इनडायरेक्ट में बदल चुका है, ठीक है। तो कुछ करना नहीं है भैया, जिसको रूल पता है वो तो इसको ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर देगा, ठीक है, जिसको नहीं पता है उसको मैं समझाऊंगा, नो टेंशन, ठीक है, समझ में आया। तो ये तीनों आप लोग नोट करेंगे, एक टॉपिक हमने पढ़ लिया है, अब हम पढ़ेंगे सिंथेसिस, ठीक है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। नोट हो गया स्टूडेंट, चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, अब आते हैं अपने सेकेंड टॉपिक पर। देखिए सेकेंड टॉपिक का नाम है सिंथेसिस आप सेंटेंसेज। सिंथेसिस क्या होता है, दो या दो से अधिक सेंटेंसेज को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना, बट उसका मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए। जैसे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, आई सा ये गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, ठीक है। अब देखिए ये आपका मिसप्रिंट हो गया, इसको आप नहीं लिखेंगे, ठीक है, इतना नहीं लिखेंगे। तो आई सा ये गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, सी वॉज वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत लंबी और सुंदर थी, ठीक है। तो यहां पर दो सेंटेंस हैं, अब दोनों सेंटेंस को जोड़कर एक सेंटेंस बनाना है, कौन सा सेंटेंस, जो ब्रेकेट में दिया गया, सिंपल सेंटेंस आपको बनाना है, लेकिन मीनिंग ना बदले भैया, ये ध्यान रखिएगा। तो यहां पर आपका क्वेश्चन है, आई सा ये गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, सी वाज वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत लंबी और सुंदर थी, ठीक है। इसको हम बदलेंगे सिंपल सेंटेंस में, तो कुछ नहीं करना है हमें, यहां पर लिखना है आई सा ए वेरी वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, ठीक है, बस हो गया। ये जो गर्ल था हमने उसको यहां पर ले लिया, और ये सब्जेक्ट हमने नहीं लिखा। तो देखिए ऊपर था आई सॉ ये गर्ल, मैंने एक लड़की को देखा, सी वाज वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल, वो बहुत लंबी और सुंदर थी। नीचे हमने क्या लिखा, आई सॉ ये वेरी टैल एंड ब्यूटीफुल गर्ल, मैंने एक बहुत सुंदर और लंबी लड़की को देखा। दोनों का मीनिंग सेम है, बट हमने इस दोनों सेंटेंस को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बना दिया है, यही है सिंथेसिस, ठीक है, समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए, द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कि ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है, ठीक है। इट इज ए फैक्ट, यह एक तथ्य है। तो ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है, यह एक तथ्य है। इसको आपको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, कैसे बदलोगे, कुछ नहीं करना। देखिए हम लोग लिखेंगे इट इज फैक्ट, ठीक है, यह तथ्य है दैट द ताज इज द
इज द मोस्ट ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल बिल्डिंग। ठीक है, बिल्डिंग। तो देखिए, इट इज फैक्ट, यह तथ्य है दैट की द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यानी कि ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है। ऊपर जो कहा गया था वही नीचे भी कहा जा रहा है, बट हमने क्या किया, इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। तो द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, इट इज ए फैक्ट, ताज सबसे सुंदर इमारत है, यह है एक तथ्य है। नीचे हमने लिखा इट इज फैक्ट दैट द ताज इज द मोस्ट ब्यूटीफुल बिल्डिंग, यह तथ्य है कि ताजमहल सबसे सुंदर इमारत है। बस हो गया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, इसका तीन नंबर डाल दीजिएगा, इसको मैं ऊपर कर देता हूं। देखिए क्या है, ही वॉज रीडिंग, वो पढ़ रहा था, ही स्लेप्ट, वो सो गया। पहला सेंटेंस है वो पढ़ रहा था, दूसरा सेंटेंस है वो सो गया। ठीक है, इसको बदलना है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में। कैसे बदलोगे, तो कुछ नहीं करना, हमें यहां पर लिखना है व्हाइल रीडिंग। देखिए नीचे थोड़ा मैं लिख रहा हूं, व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, ही स्लेप्ट। देखिए आगे मैंने व्हाइल लगा दिया, व्हाइल रीडिंग, पढ़ते पढ़ते ही स्लेप्ट, वो सो गया। ऊपर क्या था, वो पढ़ रहा था, वो सो गया। नीचे क्या है, व्हाइल रीडिंग ही स्लेप्ट, पढ़ते पढ़ते वो सो गया। ठीक है, दोनों का मीनिंग सेम है, और मैंने इसको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में कन्वर्ट कर दिया है। दैट्स अ सिंथेसिस। समझ में आ गया, कुछ नहीं है भैया, अभी बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना, आपका भाई अभी है। ठीक है, तो इसको आप लोग नोट करेंगे, फिर हम तीसरे टॉपिक को देखेंगे। नोट कर लीजिए, इसको नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक का नाम है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेज, यानी कि सेंटेंसेज को हमें ट्रांसफॉर्म करना है, बट यहां पर भी मीनिंग ना बदले। ठीक है, जैसे देखिए फर्स्ट है, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि पाठ समझने के लिए बहुत कठिन है। ठीक है, द लेसन इज टू डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, यानी कि जो पाठ है वो समझने के लिए बहुत कठिन है। इसमें आपको रिमूव टू करना है, यानी कि इस टी डबल ओ वाले टू को हटाना है। तो जब हम इसको हटाते हैं भैया, तो सो का यूज करते हैं। देखिए यहां पर लिखेंगे हम द लेसन इज सो डिफिकल्ट, सो डिफिकल्ट। ठीक है, तो द लेसन इज सो डिफिकल्ट। अब देखिए जब टू को हटाते हैं तो सो का यूज करते हैं, लेकिन बीच में दैट लगाते हैं। देखिए यहां पर सब्जेक्ट तो है नहीं, ठीक है, तो हम लगा देंगे वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट। ठीक है, इस प्रकार से हम बनाएंगे। देखिए द लेसन इज सो डिफिकल्ट दैट, अब देखिए वन कैन नॉट अंडरस्टैंड इट, इस तरह से हम रिमूव टू को हटाते हैं। ठीक है, समझ में आया। तो ऐसे कोई दूसरा आ जाए, ऐसे आ जाए कि ही इज टू पुअर टू बाय ए बाइसाइकिल, वह बाइसाइकिल खरीदने के लिए बहुत गरीब है, तो उसको कैसे बनाएंगे। अगर ही आएगा, देखिए ये लेसन है, लेशन के लिए हम सब्जेक्ट वन का यूज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए ही आ जाता तो क्या लिखते, ही इज सो पुअर दैट ही कैन नॉट बाई ए बाइसाइकिल, वहां पर हम ही सब्जेक्ट लिखते। ठीक है, यहां पर हम क्या करेंगे, वन का यूज हमने कर दिया। ठीक है, दूसरा देखिए, मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, यानी कि जो रुपए हैं, जो मनी है, वो पेड़ों पर नहीं उगते हैं। जो धन है वो भैया पेड़ों पर नहीं उगते, उसके लिए मेहनत करना पड़ता है कमाने के लिए। ठीक है, तो इसको बदलना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, लेकिन ध्यान रहे मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, जो मीनिंग यहां पर है वही मीनिंग इंट्रोगेटिव में भी होना चाहिए। अब बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे अरे सर ये तो इम्पॉसिबल है, अरे ये आपका निगेटिव में है, इसको इंट्रोगेटिव में बदलें और मीनिंग भी ना बदले। तो मनी डज नॉट ग्रो ऑन ट्रीज, धन जो है वो पेड़ों पर नहीं उगते। तो इसको कैसे बदलोगे, तो इसको बदलेंगे हम लोग डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज। इसका मतलब होगा कि क्या धन पेड़ों पर उगते हैं, वही सेम मीनिंग है। देखिए ऊपर क्या था, जो धन है वो पेड़ों पर नहीं उगते, नीचे क्या है, डज मनी ग्रो ऑन ट्रीज, क्या धन पेड़ों पर उगते हैं, नहीं। ठीक है, तो ऐसे ही आपको बनाना होता है। तीसरा देखिए, ही इज वेरी एक्सीलेंट टीचर,
वो बहुत उत्कृष्ट अध्यापक है, मतलब बहुत अच्छे अध्यापक हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इसको बदलना है एक्सक्लामेटरी में। देखिए एक्सक्लामेटरी में भी बदलने को आ सकता है, ठीक है। तो इसको कैसे बदलोगे, तो हम लोग लिखेंगे हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, ठीक है। अब ये आपका एक्सक्लामेटरी में बदल चुका है, ठीक है। मतलब क्या है, ऊपर था ही इज वेरी एक्सीलेंट टीचर, वो बहुत अच्छे अध्यापक है, इसको बदलना था एक्सक्लामेटरी में। कैसे बदला हमने, हाउ एन एक्सीलेंट टीचर ही इज, कितने अच्छे अध्यापक हैं वो, ठीक है, समझ में आया। तो ये आपका एक्सक्लामेटरी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये था ट्रांसफॉर्मेशन, मतलब इसमें जो हमें ब्रेकर में दिया गया है उसी के अनुसार हमें सेंटेंसेज को ट्रांसफॉर्म करना होता है, बस हो गया, ठीक है। इसको भी आप नोट कीजिए, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। नोट कर लीजिए इसको, नोट हो गया स्टूडेंट। चलिए आगे बढ़ते हैं भैया, हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सिंटैक्स। सिंटैक्स का मतलब क्या होता है, करेक्शन ऑफ सेंटेंसेज। हिंदी में आपने वाक्य संशोधन पढ़ा होगा, मतलब जो सेंटेंस दिया गया भैया उसमें कुछ गलतियां होंगी, उसी को सही करके लिखना होगा, दैट्स अ सिंटैक्स। जैसे देखिए यहां पर सोनू इज माई ओल्डर ब्रदर, सोनू मेरा बड़ा भाई है, इसमें गलती क्या है। देखिए भैया अपने भाई के लिए हम ओल्डर का यूज नहीं करते, एल्डर का यूज करते हैं, ठीक है। तो ओल्डर के जगह पर एल्डर कर देंगे, मतलब यहां पर थोड़ी थोड़ी गलतियां होंगी, उसी को सही करके लिखना होगा। तो सोनू इज माई एल्डर ब्रदर, ठीक है। तो सोनू मेरा बड़ा भाई है, तो ओल्डर का यूज नहीं करेंगे भैया, एल्डर का यूज करेंगे, ठीक है। दूसरा देखिए, आई एम फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट, यानी कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, या फिर मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, इसमें गलती क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, आई एम फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज करते हैं, फॉन्ड ऑफ, ठीक है। और जो वर्ब होता है उसमें आईएनजी का यूज करते हैं, तो प्ले में आईएनजी लग जाएगा, प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, यानी कि मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है, या फिर मैं क्रिकेट खेलने का शौकीन हूं, ठीक है। तो फॉन्ड के साथ हमेशा ऑफ का यूज होता है, और वर्ब में आईएनजी का यूज कर देते हैं, बस ये सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा देखिए, ही इज ए एमपी, वो एक एमपी है, ठीक है, इसमें गलती क्या है। देखिए ये एक पद है, और पद के लिए हम यूज करेंगे एन, ठीक है। तो ही इज एन एमपी, वो एक एमपी है, ठीक है, बस हो गया। तो ये भी समझ में आ गया, बहुत सिंपल था, सा था। इसको भी आप लोग नोट करेंगे, फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके आप लोग नोट कर लिया कीजिए। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, नेक्स्ट टॉपिक है भैया एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब क्या होता है, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, यानी कि एक शब्द के उसका विपरीत अर्थ जो होता है। जैसे देखिए फर्स्ट है बोल्ड, बोल्ड का मतलब होता है बहादुर, बोल्ड का मतलब क्या होता है, बहादुर, ठीक है। तो बताइए इसका एंटोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम हो जाएगा टिमिड, टी आई एम आई डी, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ठीक है, डरपोक। तो भैया बोल्ड का मतलब बहादुर, तो टिमिड का मतलब डरपोक, तो ये एक दूसरे के एंटोनिम्स होंगे, क्योंकि देखिए इनका अर्थ विपरीत है, समझ में आया। दूसरा देखिए गेन, गेन का मतलब होता है लाभ, आपने पढ़ा होगा गेन का मतलब होता है लाभ, ठीक। तो इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, लॉस का मतलब होता है हानि, ठीक है। तो गेन का मतलब लाभ और लॉस का मतलब हानि, तो ये एक दूसरे का एंटोनिम्स है। तीसरा देखिए ऑनेस्ट, ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार, आप लोगों ने सुना होगा ईमानदार। तो देखिए इसका आप डिसऑनेस्ट भी लिख सकते हैं, बेईमान, या फिर आप करप्ट भी लिख सकते हैं। देखिए करप्ट, करप्ट का मतलब होता है भ्रष्ट, सुना होगा आप लोगों ने, भैया बहुत करप्ट इंसान है, ठीक है, बहुत भ्रष्ट इंसान है, तो ये होगा करप्ट, ठीक, भ्रष्ट, भ्रष्ट आप लिख सकते हैं यहां पे, भ्रष्ट, ठीक है। तो करप्ट या फिर डिसऑनेस्ट भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो दैट्स द एंटोनिम्स। एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द, जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखते हो, जैसे बोल्ड का बहादुर, टिमिड का मतलब डरपोक, गेन का मतलब लाभ, लॉस का मतलब हानि, ऑनेस्ट का मतलब ईमानदार, करप्ट का मतलब बेईमान, ठीक है, या भ्रष्ट, ठीक है, हो गया, सिंपल सा है। तो ये था आपका एंटोनिम्स, इसको भी आप लोग नोट करेंगे, ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्या है,
अब देखिए स्टूडेंट, हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सिनोनिम्स। जैसे अभी हमने एंटोनिम्स पढ़ा, एंटोनिम्स का मतलब होता है विपरीतार्थक शब्द जो एक दूसरे से विपरीत अर्थ रखते हो, और सिनोनिम्स का मतलब क्या होता है, समानार्थी शब्द जिसके अर्थ समान हो। ठीक है, समझ में आया। जैसे आप लोग पर्यायवाची शब्द पढ़ते हैं तो देखिए फर्स्ट है बिल्ड। बिल्ड का मतलब होता है निर्माण करना या बनाना। आप लोगों ने सुना होगा बनाना या निर्माण करना बिल्ड का मतलब होता है। तो इसका एंटोनिम क्या, सिनोनिम्स क्या होगा, कंस्ट्रक्ट। कंस्ट्रक्ट, कंस्ट्रक्ट का मतलब भी होता है निर्माण करना या बनाना। ठीक है, तो बिल्ड का मतलब बनाना, कंस्ट्रक्ट का मतलब भी बनाना या निर्माण करना। ठीक है, मतलब वर्ड तो अलग अलग हैं बट इनके मीनिंग जो है वो सेम है, तो दैट्स अ सिनोनिम्स। ठीक है, दूसरा देखिए कन्फेस। कन्फेस का मतलब होता है स्वीकार करना। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, स्वीकार करना किसी चीज को। ठीक, स्वीकार करना। तो बताइए इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट का मतलब भी होता है स्वीकार करना। ठीक है, या आप लिख सकते हैं एडमिट। एडमिट का मतलब भी होता है स्वीकार करना। तो देखिए सबका मीनिंग सेम है, सिर्फ वर्ड अलग अलग है। देखिए डिस्कवर, डिस्कवर का मतलब होता है खोज करना। सुना होगा डिस्कवर, खोज करना। ठीक है, या आविष्कार करना। तो इसका एंटोनिम्स क्या हो जाएगा, इन्वेंट। इन्वेंट, इन्वेंट का मतलब भी होता है आविष्कार करना या खोज करना। तो सिनोनिम्स क्या होता है, समानार्थी शब्द, जैसे विल्ड का मतलब बनाना, कॉन्स्ट्रक्ट का मतलब भी बनाना, कन्फेस का मतलब स्वीकार करना, एक्सेप्ट और एडमिट का मतलब भी स्वीकार करना, डिस्कवर का मतलब खोज करना, इन्वेंट का मतलब भी होता है खोज करना। दैट्स अ सिनोनिम्स। ठीक है, नोट करिए इसको, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक। देखिए नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इसको हिंदी में बोलेंगे अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक, मतलब आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना। जैसे देखिए फर्स्ट है व्हिच कैन नॉट बी बिलीव्ड, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम क्या कहेंगे, बताइए। आप विश्वसनीय, ठीक है, अनबिलीवेबल, इनक्रेडिबल कहेंगे हम उसको, सॉरी इनक्रेडिबल, इनक्रेडिबल। ठीक है, इसका मतलब होता है अविश्वसनीय, जिस पर विश्वास ना किया जा सके उसे हम लोग कहेंगे इनक्रेडिबल, यानी कि अविश्वसनीय। ठीक है, ये आपका हो जाएगा फर्स्ट वाला, मतलब अनेक शब्द के लिए हमें एक शब्द बताना है। दूसरा देखिए व्हिच इज इजली ब्रोकन इनटू पीसेज, जिसको आसानी से टुकड़ों में तोड़ा जा सके उसको हम क्या बोलते हैं, बताइए। उसको हम लोग बोलते हैं फ्रेगाइल। क्या बोलते हैं उसको, फ्रेगाइल। फ्रेगाइल, फ्रेगाइल का मतलब होता है भंगुर। ठीक है, जिसको आसानी से टुकड़ों में हम तोड़ सकें। ठीक, तो ये फ्रेगाइल होगा। ठीक, समझ में आया। तो व्हिच इज इजली ब्रोकन इनटू पीसेस, जिसको आसानी से टुकड़ों में तोड़ा जा सके वो फ्रेगाइल होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए ये पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो पढ़ता और लिखता नहीं है उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे इलिटरेट। क्या बोलेंगे, इलिटरेट। इलिटरेट का मतलब होता है अनपढ़। ठीक है, आप लोग जानते होंगे जो पढ़ता लिखता नहीं है भैया उसको अनपढ़ बोला जाता है हमारी भाषा में। ठीक है, तो ये पर्सन हु कैन नॉट रीड एंड राइट उसे हम लोग बोलेंगे इलिटरेट। ठीक है, तो भैया पढ़ लिख लो, नहीं तो लोग भी आपको इलिटरेट ही बोलेंगे, अनपढ़। ठीक है, तो इसीलिए अच्छे से पढ़ाई करो। तो आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं, टोटल 7 टॉपिक्स हमने पढ़ लिया, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट, सिंथेसिस, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंटैक्स, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, 7 टॉपिक्स हमने पढ़े, टोटल हमने 21 क्वेश्चन पढ़े। कितने क्वेश्चन, 21 क्वेश्चन। अब आप लोग कमेंट करके बताइए कि इन 21 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन आपको ऑलरेडी पता थे। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।